तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर 12th अगर आप लिनक्स कोर्स करते हो तो उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या बेनिफिट हैं आपकी एक्चुअल प्रोफाइल को लेके। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, लिनक्स आपको पहले से पता है कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। लिनक्स के अलावा भी अगर मैं कोई सी भी टेक्नोलॉजी की बात करूँ, यहाँ पे AWS हो, Azure हो, क्लाउड हो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जावा हो, ये सपोर्ट का हो, तो ये ओपनिंग्स ऐसी हैं कि जो कि ओपन सोर्स हैं, आप कभी भी कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, आप क्लास 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो। तो ये एक ओपन सोर्स कोर्सेस होते हैं, आप कभी भी और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। बट स्पेशली अगर मैं बात करूँ एज अ जॉब करियर, जब आप इस टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हो, लिनक्स को, नो डाउट आप 12th के बाद लिनक्स कर सकते हो। बट वहाँ पे प्रॉब्लम आपको कहाँ होती है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, तो वहाँ पे पहले से वो मेंशन करके रखते हैं कि हमें लिनक्स का बंदा चाहिए, लिनक्स एडमिन का चाहिए या क्लाउड इंजीनियर चाहिए या सोल्यूशन आर्किटेक्ट का हमें बंदा चाहिए। बट एक ग्रेजुएशन कैंडिडेट चाहिए। इवन कई कंपनीज में आप ये भी देखोगे कि वो बोलते हैं कि नहीं, हमें बीटेक का ही बंदा चाहिए, नहीं हमें BCA का ही बंदा चाहिए, या कुछ और टेक्नोलॉजी, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए बोलते हैं। कई कंपनीज बोलती हैं कि नहीं, हमें सर्टिफाइड एक्सपर्ट कैंडिडेट ही चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। तो मेरे कहने का यहाँ पे सेंस इतना सा है, आप 12th के बाद भी कर सकते हो, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, स्पेशली फॉर दी मल्टीनेशनल कंपनी लाइक TCS, विप्रो, IBM, टेक महिंद्रा या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसी कंपनीज के लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। एंड जो सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर होता है कि आपको इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलती है आफ्टर 12th के बाद में, अगर आपको लगता है आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कर लो। आपको एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या मिड फॉर्म में आपको जॉब मिल जाएगा, बट MNCs में आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। एंड अगर आपको लगता है कि लिनक्स करने के बाद आप एक अच्छी खासी सैलरी पे काम करो, आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, तो आप मैं जरूर सजेस्ट करूँगा, 100% बोलूँगा कि आपको लिनक्स के थ्रू जाना चाहिए। अदरवाइज आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बन के रह जाओगे, एंड फिर आप सोचोगे कि नहीं, अर्निंग्स के बाद हम ग्रेजुएशन कर लें, तो फिर आपका वो डिस्टेंस हो जाता है या एजुकेशन गैप हो जाता है इन बिटवीन, तो फिर वो कंपनीज, MNCs कंपनी जो वो भी कंसीडर नहीं करते हैं आपका एजुकेशन गैप। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू आर डूइंग आफ्टर 12th। तो अगर आप भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, इवन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको लगता नहीं बिल्कुल भी चांस नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप BA भी कर लो, BSc कर लो। एंड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप BTech करो या BCA करो, अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है करने का, तो आप BA BSc भी कर सकते हो। एंड देन ग्रेजुएशन के बाद स्टिल आपके पास कुछ 50% चांसेस होंगे MNCs में, जहाँ पे आप लिनक्स में कर सकते हो BA BSc के बाद भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बाकी इसके अलावा अगर आपका कुछ भी कमेंट या क्वेरी है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे 1-to-1 पिंग कर सकते हो, बट वहाँ पे कंसल्ट होता है जो कि चार्जेबल होता है। एंड मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।